गोपालगंज मजदूरों को पैसा बांटने जा रहे चिमनी संचालक लक्ष्मण प्रसाद को दिन दहाड़े बाइक पर सवार हथियार से लैस चार अपराधी गोली मारकर 1,50,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि चिमनी संचालक अपने घर आलापुर से करीब 2 बजे चिमनी में कार्य करने वाले मजदूरों को साप्ताहिक मजदूरी बांटने जा रहे थे। इसी बीच अहिरवालिया विद्यालय के समीप चिमनी संचालक के पैर में अपराधियों ने गोली मार दी, जिसके कारण संचालक जख्मी होकर जमीन पर गिर गए। उनके गिरते ही अपराधी पैसे लूटकर चलते बने। घटना की जानकारी देते हुए ग्रामीणों के सहयोग से इलाज हेतु सदर अस्पताल में संचालक को भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने चिंताजनक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। बढ़ते आपराधिक घटना से लोग भयभीत हो गए हैं। 1 माह पहले आपको बता दें, माझागढ़ नई बाजार के आभूषण व्यापारी को अपराधियों ने गोली मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। 1 माह बीत गया है, लेकिन आभूषण व्यवसायी की हत्या के अंजाम को देने वाले अपराधियों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। तब तक चिमनी व्यवसायी को गोली मारकर पैसे लूटने के साथ अपराधियों ने पुलिस को एक और चुनौती दे दी है। HBN न्यूज की खास रिपोर्ट। जाता है कि लक्ष्मण प्रसाद पिता स्वर्गीय झगरू प्रसाद साकिन आलापुर थाना माझागढ़ आज ही समय करीब 14 बजे जैसे ही मोटरसाइकिल से 1,50,000 रुपया अपने लेबर सबको बांटने के लिए लेकर जा रहे थे कि इसी समय अपाचे मोटरसाइकिल से 3 अज्ञात जो अपना अपना मुंह बांधे हुए थे, इनको आ करके पहले सर पर बट से मारे, पुनः दाहिने पैर के घुटना के नीचे गोली मारकर 1,50,000 रुपया इनका मोबाइल ले। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। नरेश इलेक्ट्रिकल अतरौली की नंबर 1 दुकान, जहां सभी प्रकार की कंपनियों के बिजली के सामान उचित रेटों पर मिलते हैं। पता उत्सव विहार के पास अलीगढ़ रोड अतरौली। संपर्क करने के लिए कॉल करें 8077697057 8273150313 पर।